यस यस, आज तो दीपू आने वाली है, एक साल पे तो बनती है दोस्तों। क्रक वही करेगा तुम्हारा चोर में नाक फोड़ दी। अबे दीपू को क्या शकल दिखाऊंगा। आए 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 आए, हिंदी मीडियम देख रहे सभी दर्शकों की जाजा। अरे भैया जाजा छोड़ो, कहाँ से चप्पल खाकर आ रहे हो? छोटे क्या बताऊँ, करनी सेना वालों ने मेरी जैसी करनी वैसी भर्ती कर दी। क्या तुमने कौन सा बड़ा रोल कर दिया पद्मावती में? अरे क्या है छोटे क्या है। अरे रणबीर सिंह को खाना खिलाने वाले को कौन पहचानेगा? आई लव बड़का स्टार। अरे लास्ट मिनट उसे खाना खिलाया तभी तो उसने रोल किया, मेरा जो रोल बना दिया। भैया मुझे तो लगता है ये करनी सेना वाले भी आपके किराए के चीले हैं, दीपू भौजाई को खुश करने के लिए। छोटे कमीने, तुम उससे बच कर नहीं जा सकता। भैया पहले भाग के तो दिखा, खून तो बाद में पियोगे तुम। टूटे छोटे टूटे, छोटे तू ना भागी निकला करनी सेना, तूने भेजी थी मुझे पिटवाने के लिए। रुक तुझे बताता हूँ अभी तेरे। अरे आज तो दीवारें भी मार रहे, दीपू तू मेरा चेहरा मत देख ले प्लीज, मैं अभी आता हूँ, प्लीज आ रही हूँ। वेल थैंक यू हिंदी मीडियम देख रहे सभी दर्शकों की जय जय। इस बार जय जय हमारी प्यारी दीपू यानी पद्मावती की, जिनकी फिल्म ने फैला दिया है रायता, क्योंकि क्षत्रिय समाज का कहना है कि अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो दीपू की नाक काट देंगे। अरे भैया कुछ तो देखो, बेचारी लड़की का क्या हो गया, तुम उसकी नाक काट दोगे, पता है नाक काट के कैसी लगेगी देखो। दीपू टेंशन नोट, मेरी जान कोई तुम्हारी नाक नहीं काटेगा, और काट भी तो दूसरी लगवा दूंगा। अच्छा दीपू ये बताओ, अगर तुम्हारी नाक कट ही गई तो तुम्हें कैसा लगेगा? How you feeling? It's an incredible feeling. दीपू ये क्या कह रही हो, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है, माँ कसम। It's an incredible feeling, that's very true. वैसे दीपू मुझे लग रहा है तुम आजकल घर से बाहर नहीं निकल रही हो, अगर निकलती तो मेरे पास आती। चल क्या रहा है? अरे दीपू तुम घर के काम की टेंशन मत लो, मटर पनीर चाय पनीर पालक पनीर चना मसाला कड़ी पकौड़ा दाल मखनी सब मैं बना लूंगा, तुम बस फिल्में करो फिल्में, जिससे आगे हमारे दोनों की जिंदगी अच्छी रहे। अरे जानू अच्छी बात है, कल तो हम दोनों को शादी तो करनी है, लेकिन शादी के बाद तुम घर का काम बिल्कुल नहीं करोगी, क्योंकि सारा काम मैं करूँगा, बर्तन भी धोऊंगा। देखा देखा खुश हो गई, नाच पीटी बर्तन ही बनवाएगी, भाई का तो स्टाइल भी कैसा है। अच्छा दर्शकों आप ही बताओ, एज ए पर्सन मैं कैसा हूँ? एज ए पर्सन ही इज वेरी फनी। और दीपू आपका डेट लेके ही मैंने पार्टी रखी, और फिर आप आए। ओ जानू थूक दो ना गुस्सा, थू लो मैंने भी थूक दिया, कितना पॉजिटिव हो तुम मेरे लिए। अच्छा जानू ये बताओ ना, शादी कब कर रहे हैं? मेंटल और इमोशनल प्रिपरेशन की जरूरत। अरे वो तो ठीक है जानू, टेक योर टाइम, लेकिन आई कांट वेट, सॉरी योर वेट से याद आया, आज हम कह के लेंगे स्मोक की नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की। मनीष जी बताइए दिल्ली एनसीआर में स्मोक का जिम्मेदार कौन? मैं तो बीड़ी भी नहीं पीता। विधानसभा में मेरे सहयोगी साथीगण, मेरे क्या क्या मनीष जी, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा, दोबारा बताओ। विधानसभा में मेरे सहयोगी साथीगण, मेरे वाह साथ वाह, तो स्मोक कराया था तुम लोगों ने फैलाया, अब पता चला मुझे। दो साल पहले इस सरकार ने शपथ ली थी ओके स्मोक फैलाने की। अच्छा ये बताओ, ये स्मोक फैलाने का जो रायता है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अरे लीडर माननीय मुख्यमंत्री कौन अपना केजू, तभी मैं बोलूँ ये स्मोक अपनी हदें क्यों पार कर रहा है। ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं।
अरे 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 सर गुस्सा क्यों हो रहा है, मुझे पता है आपकी भी पार्टी है, लेकिन इस स्मोक से आपकी और आपकी फैमिली को दिक्कत तो नहीं है? इस बार एक फैमिली ट्रिप पहाड़ों पे चलेंगे। वेल जियो मनीष जी, जियो लोगों खून पियो। खैर खून पीने से याद आया, आजकल हमारा अरविंद अकेला रहे अपना भोजपुरी स्टार और दबा के चुमिया ले रहा है। इस लौंडे ने तो इमरान हाशमी ने कर दिया, एक फिल्म में 304 चुमियों का रिकॉर्ड बना दिया लौंडे ने। मोहल्ले की सारी औरतें बेलन लेके कूद रही है कि कहां मिले इसको ठोक दे। अबे इतना बड़ा रिकॉर्ड चुमियों में बना दिया तूने, नालायक फट। भैया दीदी लोगन, हम आपसे एक अर्ज कर रहे हैं, ये अरविंद अकेला कल्लू है ना, इसकी फिल्म बिल्कुल मत देखिएगा। ये फिल्म नहीं, चुम्मियों का रिकॉर्ड है, क्योंकि इस निकम में अभिनेता ने ले डाली इस फिल्म में पूरी 304 चुम्मियां। अरे कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं इसमें? अबे अश्लील के भाई ऐसा ना हो लल्ला, अरविंद तू वाकई अकेला रह जाए और पब्लिक तुझे कूट कूट के वाकई कल्लू बना दे। दोस्तों गौर से पहचान लो इस चेहरे को, यही भोजपुरी फिल्मों को अश्लील और भोजपुरी समाज को बदनाम करते हैं। हिंदी मीडियम की यही सलाह है, इस तरह के सुपरस्टार जहां पर भी मिल जाए उन्हें टूटा हुआ गिटार बना दे, ताकि इन्हें अपनी हदें याद आए। 304 चुम्मियों वाली फिल्म, 304 चुम्मियों वाली भी कोई फिल्म होती है? यार उम्मीद है कि अरविंद अकेला को अकल आ जाएगी, लेकिन पद्मावती के विवाद पर जो हमारे न्यूज चैनल पूरे दिन सिर फोड़ के रखते हैं, आइए पब्लिक से ही पूछ लेते हैं, उन्हें कुछ पता है? आओ बताओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा जो हिंदी मीडियम। दोस्तों आपको तो पता ही है कि पद्मावती फिल्म के ऊपर पूरे देश में कितना विवाद चल रहा है, तो आइए आज जनता से पूछ लेते हैं इनको पद्मावती के बारे में कितना पता है। आइए मेरे साथ। सीबीआई ने कहा है कि पद्मावती को क्लीन चिट दी है, तो सीबीआई ने ठीक किया ये? क्या किया? सही किया, बहुत गलती किया है। सही कर दिया। अब देखने जाओगे पद्मावती? हाँ बिल्कुल देखेंगे। कौन है उसमें हीरो? ये तो मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन सही है। सही कर दिया, मैंने देखा नहीं, क्योंकि सीबीआई को इसे बीच में कूदना पड़ा आगे, तब जाके बेचारी दीपिका का पद्मावती रिलीज होने वाली है। थैंक यू बोलोगे सीबीआई को? आज सीबीआई ने कहा है कि पद्मावती फिल्म रिलीज करके छोड़ेंगे, कोई किसी की नहीं चलेगी। सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, जानकारी नहीं। एक फिल्म आ रही है पद्मावती जिसमें करणी सेना, ठाकुर, राणा, बिरादरी, ये जानकारी नहीं है इसकी बिल्कुल। आपकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको तो फ्रंट भी उड़ गया सारा, कहा क्या हो गया? सब नोएडा का पानी ले गया, नोएडा का पानी ले गया। बहन जी हम कुछ पूछ रहे हैं, आप बता के जाओ जरा। अभी बॉम्बे में ये कहा है सीबीआई ने कि भाई पद्मावती फिल्म बिल्कुल क्लीन चिट है, देखने जाओ। हमने बताया नहीं कहा भैया देखने के लिए। अरे उसने सही कहा नहीं कहा? तुम पे टाइम नहीं है? टीवी में टीवी नहीं देख पाती हूँ। आप ये गीली सोनिया गांधी हो गए, जिस पे टाइम नहीं है वही हो गया। अभी सीबीआई ने आज ये कहा है कि पद्मावती फिल्म दिखाई जाएगी, कोई नहीं रोक सकता, तो क्या सीबीआई ने ठीक कराया? हाँ बिल्कुल, नहीं दिखाना चाहिए। मुझे भी नहीं अच्छा लगा। नहीं दिखाना चाहिए? वो कह रहे दिखानी चाहिए। नहीं दिखाना चाहिए, हमें अच्छा लगा, हमारे हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अरे भाई देख के तो चलेगा हिस्ट्री छेड़ी, अभी लग रहा है तो आगे भी यही हो सकता है ना। हमें तो ऐसा लग रहा है तुम यही बैठे, तुम लड़के छेड़ रहे हो यहाँ। अभी सीबीआई ने पद्मावती को क्लीन चिट दी है कि भाई दिखाओ ये फिल्म, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मेरे हिसाब से किसी मतलब जाति को धर्म को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, वो देख के पता चलेगा ना भाई साहब। पहले तो ठेस प्रोड्यूसर को ही पहुँच गई थी अगर नहीं दिखाओगे। नहीं उसमें जो अभी बता रहे हैं कि जो पद्मावती को जो जोहर किया था, पद्मावती जो जोहर किया था, इतना लंबा नाम थोड़ी है उसका, पद्मावती नाम है। अच्छा अगर कभी आजकल अगर सती की जगह सता प्रथा होती, अगर आदमी को बैठना पड़ता ऐसे करने के लिए, तो आप बैठ जाते? माहौल पे डिपेंड करता है, बैठ भी सकते थे उस जमाने में, या हो सकता अभी भी बैठ जाए कोई है, आप बैठ जाओगे? ये फेयर एंड लवली जो क्रीम आपने लगाई है, हाँ। उससे क्या फर्क पड़ा? अरे आपने बहुत बड़ी आवाज कही, मुझे अच्छा लगा। ये हमारा फेयर एंड लवली, हाँ। अरे ना मैंने फेयर लवली लगाया नहीं है, इसलिए मैं काला हूँ। जो फेयर लवली लगाते हैं वो गोरे होते हैं। मेरे भाई का नाम है फेयर एंड लवली, कंपनी का प्रचार है, 4 रुपए की 4 है। अच्छा यही मिलता है, कभी भी उठा के ले जाना भैया। फेयर लवली बहुत अच्छी चल रही है, धन्यवाद। सीबीआई ने कहा है कि भाई पद्मावती को क्लीन चिट दी है सीबीआई ने, कह रहे फिल्म को दिखाओ। पद्मावती जो फिल्म आ रही है क्लीन चिट दी है, तो क्या सही किया उन्होंने निर्माता निर्देशकों के साथ? देखिए ये तो फिल्म है, फिल्म में तो नाटक होते हैं, हकीकत हकीकत तो कुछ होती नहीं है, तो नाटक पर निर्धारित चीज़ें हैं, इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए।
वैसे आप देख के आप भी ऐसे लग रहे हो पद्मावती में जो राजकुमार बने हैं वो राजा बाल बाल तो आप भी ऐसे लग रहे हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ये भी फिल्म आ रही पद्मावती? मैं अपने बारे में ना पता पद्मावती के बारे में क्या पता है। मैं पूछ रहा हूँ अगर आपको पद्मावती रानी बना दिया जा और तुम्हें लकड़ियों में लेटना पड़े आग लगा ले आग लगानी पड़े तो लगा लोगी? अपने ही अपने नहीं पद्मावती के। अरे सीबीआई ने कहा है कि पद्मावती फिल्म को क्लीन चिट दी है सीबीआई ने, तो ये क्या ठीक हुआ गलत हुआ? गलत हुआ जी हमारी नजरों में। हमारी नजरों में? अब थारी नजरों से चलेगी दुनिया? नहीं मैं तो नहीं कह रहा। फिर क्या गलत हुआ? आपने मेरा विचार बुझा ना। क्या गलत हुआ थारी नजरों से? क्योंकि इसमें जो क्षत्रिय समाज में है उसके हिसाब से गलत है। अब सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, अब क्या करेगा समाज? अब समाज कुछ भी करो या सीबीआई कुछ भी करो, कुछ भी करो, यहाँ तक हमारा सोचने का नजरिया ही गलत। सीबीआई ने कहा कि पद्मावती फिल्म में कुछ क्लीन चिट दी है। सीबीआई ने कहा बिल्कुल क्लीन फिल्म है, हमसे क्लीन चिट ले जाओ, तो यार ठीक करा उसने? ठीक तो नहीं करा बंदे ने, मेहनत करी है काफी। एक्चुअली दीपिका तो गर्लफ्रेंड होगी आपकी तो गर्लफ्रेंड समझ लो। रणबीर कपूर इतना मारेगा ना बता रहा हूँ। रणबीर कपूर रणवीर सिंह दोनों ठीक करा मतलब सीबीआई ने? सीबीआई ने ठीक तो नहीं करा, सब पूरी टीम की मेहनत है तो ठीक नहीं करा क्लीन चिट दे के भी। अरे मैं पूछ रहे हैं जो फिल्म आ रही ना कौन सी वाली पद्मावती, तो सीबीआई ने फिल्म देखी, सीबीआई ने उसे क्लीन सीबीआई ने क्लीन चिट दी है पद्मावती को कि फिल्म बढ़िया है देखो ठीक करा? हाँ अच्छी है तो देखेंगे फिर सही किया उन्होंने, देख के पता चलेगा अच्छी बुरी को। हाँ वो तो बात ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप तो दिया है तो हम देखेंगे तभी पता लगेगा। तुम्हारे हाथ में क्या धुआं निकल रहा है क्या? अच्छा सिगरेट, तुम भी चमन चिमनी बना घूम रहे यहाँ बैठ के देखा आराम से सिगरेट फूकी जा रही है। मैं पूछ रहे हैं अभी पद्मावती फिल्म आ रही है जी जी जी, सीबीआई ने फिल्म देखी जी बढ़िया लगी उसे? अच्छी आती है। उन्होंने कहा भाई फिल्म अच्छी है सब देखो कोई विरोध ना करो। जी जी सर, सर मेरा कहने का मतलब ये है मैं भी राजपूत समाज से ही आता हूँ, जब किसी भी समाज के लिए उसमें फिल्म में कुछ चीज़ है उसके विरोध में तो समाज वाले भी आप भी देखो पहले एक बार अपने समाज के जितने भी जिम्मेदार आदमी है उन्हें बिठाओ। जी जी जी, आप लग रहे हो मुझे जिम्मेदार तो सर आपको बिठा दिया देखोगे? सर मैं पहले देखूंगा नहीं, सबसे पहले सर मैं ये कहूंगा यदि हमें उसमें ऐसा लग रहा है तो हम देखेंगे ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये है। दीपिका के फैन हो गया आप? हाँ ऐसा हमारे हाथ गीले करवा दो दीपिका पादुकोण से जैसा आपकी इच्छा हो। तुम से ना 2 फुट लंबी हो, गोद में उठाई फिरेगी पति के साथ साथ बच्चा फ्री। तो दोस्तों देखा आपने हमारी जनता है नील बटा सन्नाटा, इन्हें कुछ नहीं आता, इनको बोल दो बाय बाय और साथ में टाटा क्योंकि मैं ले लेता हूँ एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन आप कहीं मत जाइए आप देखते रहिए हमारा शो हिंदी मीडियम। टांग 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 टांग